हेलो फ्रेंड्स, ही इज नितिन एंड ही हैज गॉट हिज डिजायर्ड स्कोर इन पीटी दैट इज 63। एंड नितिन, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग योर डिजायर्ड फीट, यू नो। एंड वो अपने इंडिविजुअल स्कोर्स के बारे में व्यूअर्स को बताएंगे, सो प्लीज नितिन। मेरे ओवरऑल स्कोर तो 63 थे, स्पीकिंग में मेरे आए थे 72, राइटिंग में थे 65, रीडिंग में थे 62 और लिसनिंग में थे 59। बाकी यार वो अच्छा रहा स्कोर, मतलब अच्छी तैयारी करवाई सर ने, या सेंटर पे आए थे, मतलब एक महीना दो सर के पास भी क्लास लेकर एक महीना हमने प्रैक्टिस करी और मतलब सर ने बहुत वो मोटिवेट किया हमें, मतलब सीखने को भी बहुत कुछ मिला यहाँ से। और पर लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हम मतलब क्लियर कर पाएंगे पीटी, और जो कुछ असर की वैसे ऐसे ही हो गया, सपने आप करी, बाकी हमने भी थोड़ा बढ़ा। तो एक स्टूडेंट की भी मेहनत होती है साथ के साथ ना, कि आपने किसी को पाथ दिखा दिया, लेकिन उस पाथ पे चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब दोनों चीजें यू नो ये मिलती हैं, तभी एक हमारा जो भी टास्क है वो कंप्लीट होता है। और आप सेटिस्फाइड है? हाँ, बिल्कुल सर। और एक बच्चे को एडवाइस देना सर, यहाँ वैसे नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा, पर सच्ची में सर हकीकत बात है, यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है। सो आप आउट ऑफ 100 में कितना स्कोर देना चाहेंगे? सर मैं तो 100 पर सर, ज्यादा होता है वो भी दे देता। ओके, दैट्स ग्रेट। कौन से विलेज से हैं? सर मैं सोनीपत के पास बनोर है सर, वहाँ से अवराना गांव सर, हमारा तो अवराना से सर। ओके, बोलती मैं सुन रहा है, आगे आने के लिए सुनीपत वाली है, देखो गया।